कश्मीर की नौगाम में 4 आतंकी ढेर, सेना ने एक को जिंदा पकड़ा, अन्य आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ से मुश्किल में 350 परिवार, पचीसा गांव में घाघरा और शारदा नदियों के कटान से बढ़ा बाढ़ का खतरा। रेसलर नरसिंह यादव के डोप टेस्ट पर नाडा में कल होगी अंतिम सुनवाई, गुरुवार को सुनाया जाएगा फैसला। डोप टेस्ट में फेल हुए थे नरसिंह यादव। लखनऊ में आज पूर्व बीएसपी नेता आरके चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे नीतीश कुमार, BS4 रैली के जरिए दलित वोटर्स को साधने की होगी कोशिश। आज लोकसभा में पेश होगा चाइल्ड लेबर बिल, बिल में 14 साल तक के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराने पर रोक का प्रावधान। GST पर आज राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगे अरुण जेटली, कल राज्यसभा में पेश हो सकता है GST बिल। धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के मामले में नरेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, तो भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले पर जांच के लिए बनाई गई कमेटी की आज बैठक। दिल्ली में आज ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को बंद करने की मांग, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। यूपी के श्रावस्ती में लाइन मैन की मौत के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने की तोड़फोड़, करंट लगने से हुई थी मौत। आज देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस, तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि।